सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत, जहां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह व अन्य दो सांसदों द्वारा किसानों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रयागराज की तरफ से एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ विंग के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम रॉय ने बताया कि सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय श्री संजय सिंह जी और पार्टी के अन्य दो राज्य सभा सांसद श्री सुशील गुप्ता और श्री एनडी गुप्ता जब किसान बिल को लेकर सदन के अंदर विरोध कर रहे थे, तो मोदी जी के तानाशाह सरकार तीनों माननीय सांसदों को मार्शल लगाकर सदन से बाहर कर दिया गया है और सदन से निलंबन करने का एक सौतेला काम किया गया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यन तिवारी ने कहा कि इस कूर तानाशाह हुकूमत में हक के लिए आवाज बुलंद करना भी गुनाह हो गया है और इसी गुनाह की सजा राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह को निलंबन करके दिया गया है। इस निलंबन का पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आप नेता व पार्टी के जिला महासचिव सर्वेश यादव ने कहा कि देश भर के अन्य दाता किसान इस बुरे दौर को बेहद नजदीकी से देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह कितनी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन किसानों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश देख रहा है कि हक जी यह आवाज जाया नहीं जाएगा। एक एक आवाज अन्नदाताओं को मजबूत करने का काम करेगी। जिस तरह से हक की आवाज दबाने के लिए सदन से सांसद श्री संजय सिंह को निलंबित किया गया है, देश के भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह खास रिपोर्ट। किस चीज को लेकर आज आप लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या किया? आज जब हमारे तीनों राज्यसभा सांसद सदन के अंदर गए तो तीनों कृषि काला कानून का विरोध कर रहे थे। उस समय ये हिटलर शाह सरकार ने उनको अपने मार्शल लगाकर उनको सदन से निलंबित किया है एक दिन के लिए। हम आम आदमी पार्टी प्रयागराज इसका पुरजोर विरोध करती है। आज हम लोगों ने लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसके लिए पुतला दहन करना चाहा। योगी जी की सरकार ने उस पर अपने अंग्रेजी पुलिस लगाकर हम लोगों के ऊपर हिंसक ये किया। देखिए आप, ब्लड भी हमारा निकल रहा है, नाखून फट गया है। इनका एक सिपाही हमारे लगातार हमारी उंगली तोड़ने का प्रयास कर रहा था और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी सर्वेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रयागराज। दिन की शुरुआत हुई है, एक ऐसी संसदीय परंपरा को समाप्त किया गया है कि एक दल का हिस्सा नहीं माना जाता है, जो देश के अन्नदाता के समर्थन में इस काले कानून के खिलाफ अपना वोट करते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होगा? हमारे और आपके पहले प्रधानमंत्री योगी सरकार आज इस विरोध प्रदर्शन का जो मतलब है वो भी प्रशासन के लोगों को मालूम चलना चाहिए। जो छावनी बनाकर धरना स्थल पर